ना तो वह मुझे फ़ोन करती है और ना ही उसे मिलने आती है। नाइदर शी कॉल्स मी नॉर शी कम्स टू मीट मी। इस सेंटेंस में हमने नाइदर और नॉर का यूज़ किया। नाइदर नॉर को हम यूज़ कर सकते हैं ऐसी स्थिति में जहाँ पर कहा जाता है कोई काम या तो कोई भी काम नहीं करता है, ना तो वो ऐसा करता है ना ही वैसा करता है, ना वो पढ़ता है ना ही वह कोई काम करता है, ना वह मुझसे मिल ले आता है और ना ही वह मुझे फ़ोन करता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम सीखेंगे नाइदर नॉर से करना सीखेंगे। कैसे करते हैं नाइदर नॉर का यूज, इस ये एक कंजंक्शन है, आगे हम देखेंगे ये सब। इस सेंटेंसेस को यूज करना सीखेंगे नाइदर नॉर से। तो देखते रहिए इस वीडियो को, लेट्स गो फर्दर। Neither nor, ना तो यह ना ही वह, यह एक कंजंक्शन है। इसको बड़ी ही इजीली आप यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, स्पेशली दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। Neither nor एक फ्रेजियल कंजंक्शन है इस जो दो शब्दों से मिलकर बना है। Either और भी इसका पॉजिटिव वर्जन होता है। Either और को आप मेरे अगले वीडियो में देख सकते हैं, Neither nor को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। दो सेंटेंसेस दिए होते हैं, उसमें दोनों में कोई दोनों नेगेटिव होते हैं। दोनों सेंटेंसेस में कहा जाता है ना तो यह किया जाता है, दूसरे में भी किसी काम के लिए मना किया जाता है। जिन दो कामों के लिए करने के लिए मना किया जाता है, उन दो कामों के लिए एक से पहले नाइदर और दूसरे काम से पहले नॉर का यूज करते हैं। या तो दो काम के लिए मना करने के लिए कहा जाता है, या फिर दो सब्जेक्ट के लिए मना किया जाता है कि इस व्यक्ति ने या उस व्यक्ति ने किसी ने भी काम नहीं किया, या फिर तो ऑब्जेक्ट के लिए मना किया जाता है। तो जो चीज़ें अलग अलग होती हैं, जो चीज़ों के लिए मना किया जाता है, उनमें से एक से पहले नाइदर का यूज और दूसरे से पहले नॉर का यूज कर सकते हैं। ना तो वह मेरे घर आता है, ना ही वह मुझसे बात करता है। नाइदर ही कम्स टू माई हाउस, नॉर ही टॉक्स टू मी। ना तो श्याम घर गया, ना ही राम घर गया। Neither श्याम nor राम went to home। तो इसमें सब्जेक्ट अलग अलग थे। दोनों सब्जेक्ट के बारे में बताया गया था कि श्याम और राम में से कोई घर नहीं गया। पिछले वाले सेंटेंस में तो वर्ब अलग अलग होती हो रही थी, सब्जेक्ट एक ही था, वो ना तो मेरे घर आता है और ना ही वह मुझसे बात करता है। तो बात करना और घर आना दो अलग अलग क्रियाएं थीं, उनके बारे में बताया गया। दोनों के लिए मना किया गया था, तो हम दोनों जगह अगर नॉट नॉट से अगर इसको दो सेंटेंसेस में हमको बोलना पड़ता, शी ही डज नॉट कम टू माई हाउस, ही डज नॉट टॉक टू मी। दो सेंटेंसेस को मिला के बोल दिया जाता है, नाइदर ही कम्स टू माई हाउस नॉर टॉक्स टू मी। ठीक उसी तरह से श्याम घर नहीं गया, राम घर नहीं गया, दो सेंटेंस मिला के बोले श्याम did not go to home, Ram did not go to home। हम एक सेंटेंस में बोल सकते हैं सेंटेंस को, हम बोल सकते हैं Neither श्याम nor Ram go went to home। ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, दो ऑब्जेक्ट के लिए मना किया जाए वहाँ पर भी आप Neither nor का यूज कर सकते हैं। उसने ना तो साइकिल खरीदी, ना ही उसने बाइक खरीदी। ये दो सेंटेंसेस थे, हम दो सेंटेंस में इसको ऐसे अलग अलग बोल सकते थे, उसने साइकिल नहीं खरीदी, उसने बाइक नहीं खरीदी। दोनों को जोड़कर कहा गया उसने ना तो साइकिल खरीदी ना ही उसने बाइक खरीदी। ही नाइदर बॉट अ बाइसाइकल नॉर अ बाइक। तो इस तरह से हम नाइदर नॉर का यूज कर सकते हैं। दो सब्जेक्ट में अलग अलग, दो सब्जेक्ट में से किसी ने भी कोई काम नहीं किया, उन दो सब्जेक्ट से पहले कर सकते हैं, एक से पहले नाइदर एक से पहले नॉर। दो वर्ब, दोनों ही के बारे में बताया गया होता है कि दोनों ही वर्ब नहीं हुई हैं, उनसे पहले हम नाइदर नॉर का यूज कर सकते हैं। ये वर्ब भी नहीं हुई, वो वर्ब भी नहीं हुई, उससे पहले एक से पहले नाइदर एक से पहले नॉर का यूज कर सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट से पहले भी हम नाइदर नॉर का यूज कर सकते हैं। तो आपको नाइदर नॉर की जानकारी के बारे में कैसा लगा? आप अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।